उत्तर प्रदेश की बस्ती जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां बस्ती जनपद में वाणिज्य कर विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अरेस्ट किया है। असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट कर कोतवाली लाया गया, जहां से मेडिकल के बाद मुंबई पुलिस और बस्ती कोतवाली की पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का साला सौरभ तिवारी मुंबई कैडर का आईपीएस है, जो मुंबई पुलिस में डीसीपी के पद पर तैनात था। मनी एक्सटॉर्शन के मामले में पिछले कई महीने से फरार चल रहा है, मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। एक्सटॉर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें फरार आईपीएस सौरभ तिवारी और बस्ती में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का नाम शामिल था। आज मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने वाणिज्य कर कार्यालय से असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद उनको बस्ती कोतवाली में लेकर गई, जहां से मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। माना जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस उनको अपने साथ ले जाएगी। वहीं बस्ती सदर सीओ आलोक प्रसाद ने बताया कि मुंबई पुलिस ने केस के सिलसिले में उन्हें अरेस्ट किया है। 2 घंटे की पूछताछ की गई, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम आई हुई थी, वहाँ पर फरवरी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके सिलसिले में वो जाँच कर रहे थे। उन्होंने पूछताछ करी है 2 घंटे करीब। सेल्टेक्स कमिश्नर है यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्टेक्स मोबाइल सुरेंद्र यूनिट में है वो, और पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग करके ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक बात और निकल के सामने आ रही है, इनके कोई साले हैं सौरभ मिश्रा, जो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आईपीएस के पद पे तैनात थे, और वो काफी टाइम से फरार है, उनसे इनका लिंक हवाले से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या एक्चुअल में रीजन थे और क्या कारण थे गिरफ्तारी के, और इस वक्त जब तक जानकारी पुष्ट नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको गिरफ्तारी की गई है और अभी उनको गिरफ्तार करके सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। सर, कहाँ की टीम आई थी? ये मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम है। उन्होंने क्या बताया क्यों गिरफ्तारी की गई? उन्होंने बस इतना ही हमको जानकारी दी है, इंटीमेशन दिया है कि वहाँ पर एक एफआईआर लॉज है जनवरी में, आई थिंक वहाँ मुंबई पुलिस की एक एफआईआर है, अभी मुझे वो भी डिटेल पता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने कोर्ट पेपर पेश किए हैं। अभी मुझे ज़्यादा इंटीमेशन वो देंगे तो तब जाकर हम उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।